डॉक्टर सुभाष राम भाव भाबरे क्वेश्चन नंबर 83। महोदय सभा पटल पर उत्तर प्रस्तुत। धन्यवाद सर। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 38.4% ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड, 35.7 आर अंडर वेट, 18% ऑफ चिल्ड्रेन वेयर बॉर्न अंडर वेट and 58% of children between age of 6 to 59 months and 53% of women in the age of 14 to 49 years, they have anemia. I would like to congratulate Honorable Prime Minister who launched the Poshan Abhiyan in 1980, the world's largest nutritional program, which is expected to help 10 crore people. It aims at to reduce stunting, underweight, low birth weight each by 2% per year and anemia among the children, adolescents and women each by 3% per year until 2022. A special target for stunting is set at 25% by 2022. I would like to ask Honorable Minister whether government has any mechanism to assess the performance of Poshan Abhiyan and rule out its drawbacks, and the government of India, UNICEF have jointly signed the survey in January 2018. Under the agreement, what support UNICEF is going to give to Ministry of Women, Child and Development? अभी एक प्रकाश जी के प्रश्नावली में संसद के संकल्प के बारे में आपने उल्लेख किया। आज इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं सदन को, आपको विशेष, आपके आह्वान और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती हूं जो आपने सितंबर 2019 के पोषण माह के लिए दिया। महोदय, आपको और सदन को अवगत कराना चाहती हूं, आप सबके आशीर्वाद और प्रयासों और सहयोग की वजह से अभूतपूर्व हमने आंकड़ों को देखा। देश भर में एक महीने में 3,66,00,000 गतिविधियां मात्र एक महीने में पोषण अभियान के संदर्भ में हुई। इस अभियान के माध्यम से मात्र एक महीने में हमारे समाज में भिन्न समुदायों ने ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर 2,26,00,000 विविध प्रकार की कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स की और होम विजिट, ताकि गर्भवती माताओं से और नवजात शिशु से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स मिलके उन्हें अगर कोई विशेष प्रावधान या समर्थन देना है, ऐसे होम विजिट्स महोदय 2,70,00,000 हुए मात्र एक महीने में। ये संसद के आह्वान को हमारे देश के सामने प्रस्तुत करता है। सदन के सभी सांसदों का मैं और आपका महोदय विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबने इस आह्वान में हमारा सहयोग दिया। सुभाष जी ने अपने प्रश्न में महोदय जो नंबर्स की, फैमिली हेल्थ सर्वे की जो बात कही, उसका एक मैं विश्लेषण करना चाहूंगी। इन्होंने जो नंबर्स पढ़े महोदय वो साल 2015-16 के हैं। अगर आप साल 2005-06 के आंकड़े देखें महोदय, तो तब से लेकर 15-16 तक स्टंटिंग में 34.7% हमने बेहतर परफॉर्म किया है देश के नाते। अंडर न्यूट्रिशन के केसेस में 33.4% हमने बेहतर किया है और अनीमिया जो है उसमें हमारी उपलब्धि 40% तक की रही है। महोदय, मैं ये नहीं कहती कि संतोषजनक है, लेकिन निश्चित इस बात को दर्शाना चाहती हूँ कि हम सबने मिलकर एक राष्ट्र के नाते, समाज के नाते इस विषय पर अपनी अपनी ओर से सहयोग दिया है। सहयोग देने आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को आपकी अनुमति से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जहां तक कि यूनिसेफ के इन्होंने एक समझौते के बारे में उल्लेख किया महोदय, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पोषण अभियान की शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार हुई, उसमें हमारे कई ऐसे सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हैं जो सहयोग देते हैं। उसमें वर्ल्ड बैंक है, बिल गेट्स फाउंडेशन है, हाँ यूनिसेफ है, और इन सभी विविध हमारी सामाजिक संस्थाओं के साथ हमारा एकमुश्त जो एक करार होता है वो ये कि हमें वो नई तकनीकें हमें बताएं, साथ ही हम उनके साथ अगर कोई नई उपलब्धियां विश्व स्तर पर हुई हैं उसे हम लोग अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करें। और महोदय, आपकी अनुमति से एक निमंत्रण सबको देना चाहती हूँ। सिटीजन और सांसद जब संघ आते हैं तो पोषण में क्या उपलब्धि हो सकती है, 3 दिसंबर को एक पोषण एंथम सिटीजन्स ने और
वर्तमान और पूर्व सांसदों ने बनवाई है, जिसे आप सबके आशीर्वाद से प्रेषित करने का मेरा प्रयास रहेगा। आप सब सादर आमंत्रित है उस कार्यक्रम में। धन्यवाद। I would like to ask Honorable Minister, I had asked any mechanism to assess the progress of ocean. Highlight here that the Prime Minister's endeavor to start the Poshan Abhiyan was to ensure that we have real-time data accessible from every nook and corner of the country, and that is why ICDS CAS system was enrolled. My senior colleague and the predecessor in the ministry, Srimati Menaka Gandhi, is in the house. I would like to even appreciate her efforts in the endeavor. Today, sir, in 15 languages, Anganwadi workers across the country give real-time data for 8 crore 50 lakh beneficiaries, which includes children, pregnant and lactating mothers. Srimati Supriya Suleji. My second supplementary question is still remaining. The government has launched National Nutritional Mission. Drastically to reduce the prevailing high incidence of malnutrition. For the success of mission, Anganwadi workers play an important role as they provide vital health and nutrition services to mothers and children in villages and helps in eradicating the malnutrition. However, many of the Anganwadi centers lack basic amenities and face infrastructure problems affecting the success of mission. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, the number of Anganwadi centers that are functioning without basic amenities and infrastructure, and whether government will take up the steps to provide them basic amenities and infrastructure in time-bound manner so that Anganwadi workers can perform better and achieve the target is fixed under the mission. Honorable Member, that yes, the Government of India does provide major support for Anganwadi workers and infrastructure possibilities in the country. Just to highlight how incrementally Anganwadis have become better, and I must here, sir, also indicate to the Honorable Member that this falls, the implementation falls within the ambit of the state government. And hence, sir, just to highlight, Anganwadi workers and Anganwadi facilities with drinking water facilities in March 2016, sir, were around 8 lakh in number, and today they exceed 12 lakh in number. Hence, sir, we are in continuous dialogue with state chief ministers. I would here, through you, sir, like to tell the House that in the past 4 to 5 months, I've had the pleasure of meeting 14 chief ministers and 3 honorable governors so that they are brought up to speed about the efforts to strengthen than the infrastructure in our states. Sir, since that's a serious issue, I'd just like to add one small caveat. The Honorable Minister, Dr. Bhambre, said that about electricity, we have done it through our Jilla Parishads. So what the Honorable Minister said is the fund of the Panchayat Samiti, if you use, you can strengthen your Anganwadis. I have done that in my constituency and my district. And one small request, sir, in today's reply, in the English reply, half the answer has come. So I think people like Rajaji who can't read English had a lot of struggling to ask questions. So if that can, in the Hindi it's a complete reply, in the English some things had come. So he had a bit of an issue struggling. My small question to the Honorable Minister is, I do appreciate that this Poshan Ahar program was launched only a year ago. So I do understand that you can't make a drastic change in a year. It's all going in the right direction. But what specific intervention are you doing through these melawas of beyond awareness of in the food that is given to them, which is either the protein content or just making sure malnutrition is eradicated in a diet form which through you can be implemented by states? Thank you, sir. I would appreciate, sir, the Honorable Member's intervention with regards to MPs delving into their own funds and capacities locally to ensure that the services are... I am appreciating, sir. It's rare, sir, that when I compliment MPs that I get an intervention, but... Premchandranji, I have the complete analysis of what Kerala is doing and what are the challenges you are facing. I would rather not make it a question of political battle, but allow me to. मैं महोदय इस विषय को लेकर विशेष महिला और बच्चों के विषय को लेकर आक्रामक इसलिए नहीं होती क्योंकि एक ये ऐसा विषय है जिसमें हमारी राजनीति चाहे जो भी रही हो राष्ट्रनीति के आधार
राष्ट्र नीति के आधार पर वी ट्राई एंड इंश्योर दैट वी वर्क टुगेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ आर पॉलिटिक्स. इन सो फार एज मिस सुलेज इंटरवेंशन एंड हर क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द काइंड ऑफ फूड दैट वी गिव आवर चिल्ड्रन, येस फॉर टू लॉन्ग वी हैव focused our efforts and traditionally so on the quantity of food that is given to a child. Jitna zyada khilaoge matlab bachcha hrisht pusht hai, lekin satya ye hai mohoday ki quality of the food is extremely important. Recently mohoday aap sabke dhyan mein main lana chahungi, with the Bill Gates Foundation, MS Swaminathan and other agencies, we have ensured that now we map the nutritional contents of crop patterns in 127 agroclimatic zones in our country, so that nutritious food that can be made available locally is identified for citizens at large. So I would also like to compliment my colleagues in the Ministry of Agriculture who have said that through these efforts we will also ensure that this information is passed on to the Krishi Vigyan Kendra so that local cultivation of these nutrient crops can be undertaken. And my colleague in food processing, Harsimrat Kaur Badal, has also assured me that agro-processing opportunities and food processing opportunities in the segment will also be explored. Sri A. Raja Ji, ऐसे ए राजा जी ने आधा ही पढ़ा है ना सर, आधा ही पढ़ा है सर. आई अप्रिशिएट द मेजर्स बीइंग टेकन बाय द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. एज ऑनरेबल मेंबर सुप्रिया सुले पुट इट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सब्सटेंशियल रिलेशनशिप रिजल्ट्स विद इन वन ईयर, बट आई वांट टू हैव योर वन सजेशन द ऑनरेबल मिनिस्टर. द सेम आइडेंटिकल स्कीम वॉज लॉन्च बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट वेन अवर लीडर डॉक्टर कलैंगन करुणानिधि वॉज चीफ मिनिस्टर. In addition to this, identical schemes, in addition to this, the then Tamil Nadu government, headed by our leader Dr. Kalaingan Karunanidhi, we used to give 6,000 rupees for the pregnant women, those who are suffering from malnutrition, irrespective of caste and greed, everything. It will start 1,000 rupees, it will start 5th month. Up to 10th month, it will continue 1,000 rupees each. It will cover one more year for lactating period also. I want to know from the Honorable Minister, such a noble scheme was given to the state of Tamil Nadu, which was widely acknowledged as a successful scheme. Any such identical idea is with state central government to implement such funding, a noble funding, direct funding to the pregnant woman. Not that the learned member of parliament is aware of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, and currently the similar efforts undertaken by the state government of Tamil Nadu. So not only one but two such schemes are operational. Sri Mohan Delkar Ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं भी बधाई देना चाहता हूं मैडम को पोषण अभियान चलाने पर. और ये भी देखा सर हमने कि उसकी असर भी काफी हुई, जैसे मैडम ने यहां पर बताया. और सर आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर कि आपने इस विषय पर बहुत गंभीरता दिखाई. और सारे एमपीज को भी आपने सूचित किया कि ये कुपोषण जैसी बीमारी है उसको समाप्त करने के लिए सबको सक्रिय रहना चाहिए. सर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं. जी सरकार भी बहुत काम कर रही है, बिल्कुल बात सही है सर. सर ये कुपोषण की जो बीमारी है वो ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र में इसकी इफेक्ट हमने देखी है सर, ज्यादा असर हमने देखी है. और इस विषय में सर गुजरात सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं. मैंने देखा सर हमारा दादरा नगर हवेली बिल्कुल बॉर्डर पे दक्षिण गुजरात है, वो पूरा आदिवासी इलाका है. वहां पर सर सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि जितने भी वो वहां गवर्नमेंट स्कूल में जितनी भी चिल्ड्रन गर्ल बच्चियां पढ़ती है उन बच्चियों को हर महीने एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट सर दाल चावल ऑयल वगैरह देते हैं बच्चियों को हर महीने में. तो उससे काफी अच्छी असर हुई सर इस बीमारी को से बच्चियों को बचाने में. तो मेरा ये सुझाव है और मैं मंत्री महोदय से मैं गुजारिश करता हूं कि जो वहां पर स्कीम लागू की गई है बच्चियों के लिए वह स्कीम ऐसे सारे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहां पर आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर लागू करने की कोई योजना के बारे में मैडम सोचेगी क्या, ये मैं आपके माध्यम से मैडम से जानना चाहता हूं. महोदय एक मिथ्या है, एक भ्रम है जो हम पालते हैं कि कुपोषण की चुनौती मात्र आदिवासी क्षेत्र या गरीब परिवारों में है. आज अगर नीति आयोग का डेटा आप देखें तो देश भर में
सही न्यूट्रिशन पाने वालों की संख्या मात्र 9% है। इसका मतलब जो अमीर घरों से हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, वो भी शायद क्वांटिटी ऑफ फूड पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड पर नहीं। जहां तक महोदय विषय प्रोटीन का या फिर दाल चावल का विषय है, हमने 2017 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस को प्रेषित किया था। हाल ही में स्टेट्स के साथ हमारी एक बातचीत में हमने ये भी निर्धारित किया है कि आगामी वक्त में हम लोग 1-2 माह के अंतराल में स्टेट्स और नीति आयोग के साथ बैठकर, जिसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री भी सम्मिलित होगी, अगर कैलोरी और प्रोटीन के संदर्भ में जो हिडन हंगर को कहीं ना कहीं एक जवाब या सोल्यूशन देने का प्रयास करता है, उसके संदर्भ में जितने भी राज्य भर में प्रयोग हुए हैं उनको निश्चित रूप से पढ़ेंगे भी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग सम्मिलित भी करेंगे। कुपोषण को समाप्त करने के लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कुपोषण को समाप्त करने का अगर हमने जन आंदोलन खड़ा किया तो इसी संसद सत्र के अंतिम सत्र में हम ये कहेंगे कि ये दोष कुपोषण से समाप्त हो गया है। श्रीमती शताब्दी राय, शॉर्ट में। थैंक यू। मैं ये न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस, इतना क्या खाना चाहिए लेकिन इक्वली क्या नहीं खाना चाहिए, इसके अवेयरनेस है कि नहीं? क्योंकि बच्चे का जितना टेस्टी होते हैं फूड, अनहेल्दी फूड खाते हैं, जैसे वो चिप्स वगैरह है, जैसे जंक फूड जो है, तो इसके मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे गुटखा बैन किया, ऐसे जंक फूड बैन करने का कोई सोच है कि नहीं? न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो बच्चे के जन्म के पहले 1000 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और माता भले भांति उसका पोषण हो, वैक्सीनेशन या दवाइयाँ, वो आयन की गोलियां लेती रहे, इसका प्रयास होता है। ये 5 सूत्र हम पहले से ही प्रस्तुत कर चुके हैं। शताब्दी जी जिसका उल्लेख कर रही हैं, वो बच्चे और स्कूलिंग के आसपास जंक फूड का और बेटर फूड हैबिट्स के बारे में, मेरी जहां तक HRD के दिनों से याददाश्त ठीक अगर है तो CBSE और स्टेट बोर्ड बार बार आह्वान स्कूलों से करते हैं कि जंक फूड ना खिलाया जाए स्कूल प्रेमाइसिस पर। लेकिन अंतोगत्वा तो महोदय बच्चे हमारे हैं, तो माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रखें और बच्चों को हम